हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे IAS PCS प्रीलिम्स टेस्ट के बारे में। याद रखिए, हम लोग इसमें टॉप क्वेश्चंस जो महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा, उन्हीं को बात करते हैं, उन्हीं को देख रहे हैं। तो ये आपकी छठवीं टेस्ट है, ठीक है, छठवा। और जो पांच हो गए हैं वो सभी आपके जनरल स्टडीज टेस्ट के नाम से, जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये छठवी है, याद रखिए। इनकी सबकी PDF टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है पहला, क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, सही है। अमेरिकी राष्ट्रपति को विधायिका के मूलभूत अंग के रूप में नहीं माना जाता है, सही है, ये भी सही है। तो इसमें आपका दोनों कथन सही है। संविधान के तहत, भारतीय संविधान के तहत भारत के संसद की तीन भाग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। तो इसमें पहले का क्या होगा आपका, दोनों कथन एक और दो, दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को की मंजूरी वाला पहला वाले राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की मंजूरी वाले प्रस्ताव को संसद के किसी एक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, गलत है। फिर दूसरा है आपका, राष्ट्रपति शासन लागू करने संबंधी उद्घोषणा न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे में आती है, ये सही है। इसके अंतर्गत तीसरा, इसके अंतर्गत संसद राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति या उसके द्वारा निर्दिष्ट किसी प्राधिकरण को प्रत्यायोजित कर सकती है, सही है, ठीक है। तीन, दो और तीन कथन आपका सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है इसमें, क्या पूछा है, सही नहीं है। तो इसमें कथन एक सही नहीं है, ठीक है। क्या है कथन एक है, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की मंजूरी वाले प्रस्ताव को संसद के किसी एक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, नहीं, ये गलत है, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को दो आधारों पर लागू किया जा सकता है, एक जो स्वयं अनुच्छेद 356 में उल्लिखित है, और दूसरा जो अनुच्छेद 365 में उल्लिखित है। राष्ट्रपति शासन लागू करने संबंधी उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा, याद रखिए, दोनों सदनों द्वारा इसे जारी किए जाने के 2 महीने के भीतर स्वीकृति मिलनी चाहिए, ठीक है। हालांकि यदि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा ऐसे समय में जारी की जाती है जब लोकसभा विघटित हो चुकी है, अथवा उद्घोषणा के स्वीकृति हुए बिना 2 माह की अवधि में उसका विघटन हो जाए, तो उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 1 महीने तक माह तक बनी रहती है, यदि राज्यसभा इस बीच उसे स्वीकृति प्रदान कर दे तो, ठीक है। क्वेश्चन है आपका तीसरा, क्वेश्चन तीसरा है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला कथन है, वह अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्ता में ना हो। दूसरा है, अध्यादेश जारी करने के राष्ट्रपति के फैसले पर न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता है, दोनों आपके गलत हैं, दोनों कथन आपके गलत हैं। संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, यह केवल तभी अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदन में सत्र में ना हो। यस, जब संसद के दोनों सदनों में से कोई भी एक सत्र में ना हो। इस प्रकार एक सदन का सत्र जारी होने पर भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है,
दोनों सदनों में सत्त में होने पर जारी अध्यादेश शून्य हो जाता है, ठीक है, जब उसे समाधान हो जाए कि परिस्थिति ऐसी बन गई है जिसके कारण तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। कूपर मामले 1970 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति की संतुष्टि पर हठधर्मिता के आधार पर अदालत में सवाल उठाया जा सकता है, ठीक है, याद रखिए। तो तीसरे में आपका दोनों कथन गलत है, यानी कि डी होगा, ठीक, ना तो एक सही था ना ही दो। क्वेश्चन है आपका 4, भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा दान की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर मैं विचार करना, क्या है, कोर्ट राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल की क्षमादान दे सकता है लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता है, सही है, राष्ट्रपति किसी भी मामले में मृत्यु दंड पर क्षमादान दे सकता है जबकि राज्यपाल मृत्यु दंड पर क्षमादान केवल तभी दे सकता है जब इसे राज्य के कानून द्वारा निर्धारित किया गया हो, गलत है, तो इसमें केवल एक कथन आपका सही है, ठीक। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, इसमें है आपका संघ कानून के विरुद्ध अपराध के लिए दंड या दंडादेश दिया गया हो तब, कोर्ट मार्शल द्वारा दंड या दंडादेश दिया गया हो तब, उन सभी मामलों में जिसमें दंडादेश मृत्यु दंड का आदेश हो। संविधान के अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई, किंतु राज्यपाल की क्षमादान शक्ति निम्नलिखित दो मामलों में राष्ट्रपति से भिन्न है, राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए दंडादेश को क्षमा कर सकता है जबकि राज्यपाल नहीं कर सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति मृत्यु दंड के आदेश को क्षमा कर सकता है जबकि राज्यपाल नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक कि यदि कोई कानून राज्य कानून मौत की सजा निर्धारित करता है तो क्षमादान देने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है ना कि राज्यपाल में, हालांकि राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित लघु या उसके बदलाव कर सकता है, दूसरे शब्दों में कहें हम तो राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के पास मृत्युदंड के निलंबन परिहार लघुकरण के संबंध में संवर्ती शक्ति है, ठीक। क्वेश्चन है आपका अगला 5, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा विधानसभाओं के सदस्य सम्मिलित होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है, तो याद रखिए आपकी दोनों कथन सही नहीं है, ठीक है, इसमें होगा डी सॉरी सी, ठीक है, ना तो आपका एक कथन सही है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, याद रखना है आपको निर्वाचित सदस्य, एक शब्द ध्यान याद रखिए निर्वाचित सदस्य, ठीक है, इसके जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें दोनों सदनों के सदस्य लोकसभा और राज्यसभा प्लस विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, वह एकल हस्तांतरणीय मत की अनुपातिक प्रतिनिधि निधित प्रणाली के आधार पर चुना जाता है राष्ट्रपति, वह अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक। बात करें उपराष्ट्रपति के बारे में तो उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल एकल हस्तांतरणीय मत की अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, यहाँ निर्वाचित और नामांकित दोनों शामिल होते हैं, ठीक है, और इसके लिए योग्यताएं हैं भारत का नागरिक होना चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए, 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्यता होनी चाहिए इसकी, ठीक है। क्वेश्चन है आपका
सिक्स, उपराष्ट्रपति उसकी शक्तियों तथा कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के प्रतिनिधि सभापति के रूप में कार्य करते हुए वह अमेरिकी उपराष्ट्रपति के समान होता है, जो सीनेट के सभापति के रूप में भी कार्य करता है। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में वह अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। दोनों कथन सही है। तीसरा है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए या राष्ट्रपति कार्यों का निर्वहन करते समय उपराष्ट्रपति सभा के सभापति के दायित्व का निर्वहन भी करता है। ये गलत है। तो इसमें एक और दो कथन सही है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उसके कृत्यों का निर्वहन करते समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा की सभापति के कार्यों का निर्वहन नहीं करता है। याद रखिए, इस अवधि के दौरान इन कार्यों का निर्वहन राज्यसभा के उपसभापति द्वारा किया जाता है। तो इसमें आपका एक और दो कथन सही है, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 7। अगला क्वेश्चन है 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किस पहला कथन है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। सही बात है। दूसरा है, अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति पर सलाह देने के लिए एक जनजाति सलाहकार परिषद स्थापित करनी होगी। ये भी सही है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन होगा, एक और दो। ठीक है, एक और दो। चलिए अब बात करते हैं 8वां क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े सभी विवादों की जांच और निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? तो याद रखना है, इसमें होगा उच्चतम न्यायालय। बी ऑप्शन सही है। क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी सभी शंकाओं या विवादों की जांच का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन है आपका 9। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। गलत है। यदि उपराष्ट्रपति का पद उसके त्याग पत्र, निष्कासन, मृत्यु व किन्हीं अन्य कारणों से रिक्त होता है, तो पद रिक्त की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर निर्वाचन हो जाना चाहिए। ये भी गलत है आपका। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोनों नहीं है। ठीक, अब सही क्या है वो देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67, इसमें 67 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का पद 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से तब हटाया जा सकता है जब राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा पूर्ण बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित किया जाए तथा लोकसभा द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की जाए। इस प्रयोजनार्थ प्रस्ताव को तभी लाया जा सकता है जब इस आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व दी गई हो। ठीक है, दूसरा अनुच्छेद 68(2), मृत्यु, त्याग पत्र या निष्कासन या किसी अन्य कारणों से रिक्त हुए उपराष्ट्रपति के पद को तत्काल भरा जाएगा तथा इस पद को भरने के लिए निर्वाचित सदस्य अनुच्छेद 68 किसके 68 के प्रावधान के अधीन होना होगा। वह पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक इस पद पर बना रहेगा। ठीक, तो याद रखिए इसमें आपके दोनों कथन गलत थे। क्वेश्चन है आपका 10। निम्नलिखित में से कौन अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, तीनों सौंपते हैं। ठीक है, क्या है, तीनों सौंपते हैं। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ये नहीं सौंपता है। ठीक, तो इसमें क्या होगा आपका सी, 1, 2, 3। क्वेश्चन है आपका 11। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है।
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, युद्ध या बाह्य आक्रमण अथवा आभ्यंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति के आधार पर की जा सकती है। एक बार संसद द्वारा मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल 1 साल तक जारी रहता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन आपके गलत हैं, ना तो एक सही है और ना ही दो। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति एक ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है जब युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशक्त विद्रोह के कारण भारत की या इसके कुछ हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे देश या उसके कुछ हिस्से पर लागू हो सकती है। 1976 का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग में राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को सीमित करने में सक्षम बनाता है। आपातकाल की घोषणा जारी की गई तारीख से 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। यदि संसद के दोनों सदनों ने इसे अनुमोदित कर दिया तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है। पर हर 6 महीने में संसद के अनुमोदन के साथ इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा आवधिक संसदीय अनुमोदन के इस प्रावधान को भी शामिल किया गया। ठीक है, तो इसमें आपका डी होगा, 11 का। ठीक है, ना तो एक सही था ना ही दो। क्वेश्चन है 12। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित वित्तीय आपातकाल वापस लिए जाने तक अनिश्चित काल के लिए जारी जारी रहता है। सही है, वित्तीय आपात का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता, ये गलत है। इसमें केवल एक सही है आपका। के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम में वित्तीय आपातकाल की घोषित करने में राष्ट्रपति की संतुष्टि को अंतिम और निर्णायक बनाया गया, जिसके संबंध में किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन इस प्रावधान को 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन होगा आपका 13। संविधान की छठी अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इसमें उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। सही बात है, राष्ट्रपति के पास इन क्षेत्रों को व्यवस्थित और पुनर्गठित करने का अधिकार है, ये गलत है। 5वीं अनुसूची की तरह यह भी जनजाति सलाहकार परिषद का प्रावधान करती है, ये भी गलत है। ठीक है, केवल एक कथन इसमें सही है। क्या है? केवल एक सही है। राज्यपाल को स्वशासी जिलों को स्थापित या पुनर्स्थापित करने का अधिकार है। याद रखिए, राष्ट्रपति को नहीं, राज्यपाल को। राज्यपाल को स्वशासी जिलों को स्थापित या पुनर्स्थापित करने का अधिकार है, अतः है राज्यपाल इनके क्षेत्रों को बढ़ा या घटा सकता है, नाम परिवर्तित कर सकता है या सीमाएं निर्धारित कर सकता है। और इसमें प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए एक परिषद होगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी। ठीक है, जिसमें 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित किए जाएंगे, शेष 26 सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और मनोनीत सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। प्रत्येक स्वशासित क्षेत्र में अलग प्रादेशिक परिषद भी होगी। ठीक है, तो इसमें केवल आपका एक कथन सही है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका अगला 44, सॉरी 14। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। राज्यपाल का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित है, गलत है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है, ये भी गलत है। ठीक
संविधान के भाग छः, भाग छः में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका की चर्चा की गई है। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल की महाधिवक्ता शामिल होते हैं। राज्यपाल के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक, अगर राज्यपाल संतुष्ट हो जाता है कि राज्य का शासन भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है, तो वह राष्ट्रपति से राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर नहीं, राज्यपाल की। ठीक, इसमें क्या था आपका? डी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ना तो एक था ना ही दो सही। ठीक है, क्वेश्चन है 15, क्या है क्वेश्चन है आपका? 15, भारत में राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। वह राज्य का विधायिका का अंग है, राज्य विधायिका का, सही है। संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी अर्हता मापदंडों का उल्लेख नहीं किया गया है, गलत है। संविधान का उल्लंघन करने के लिए राज्यपाल पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ये भी गलत है। इसमें केवल एक आपका कथन सही है। संविधान स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 157 में, किसमें? 157 में राज्यपाल के लिए पात्रता मानदंडों का उल्लेख करता है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा जिसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है और जिसकी आयु 35 वर्ष से कम हो, राज्यपाल के नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, याद रखिए। और महाभियोग प्रस्ताव केवल भारत के राष्ट्रपति के लिए लागू होता है, राज्यपाल के लिए नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है 16, क्वेश्चन है आपका 16। तो राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान में राज्यपाल के द्वारा विवेक अनुसार कार्य करने की शक्ति कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में दी गई है, जबकि राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई शक्ति स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं की गई है, सही है। विधानसभा का आह्वान करने की शक्ति उसका विवेक का अधिकार है, नहीं, गलत है। सशस्त्र बल अधिनियम 1958 अफस्फा के तहत वह किसी भी क्षेत्र को उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकता है, ये सही है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? वह केवल राज्य मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर विधानसभा का आह्वान कर सकता है। ठीक है, तो इसमें होगा 1 और 3, सी ऑप्शन आपका है। ठीक है, क्या है? सी। क्वेश्चन है आपका 17, समाचारों में रहा मेघालय युग है, तो याद रखना 4200 वर्ष पूर्व से लेकर वर्तमान तक, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 18, समाचारों में रहे वेड बैंक शब्द का तात्पर्य क्या है? तो इसका है गैर निष्पादित संपत्तियों के संकट से निपटने हेतु एक संस्था, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन है 19, क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? यह भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण के लिए एक नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है तथा इसे देश में एवं अंतर्देशीय स्तर पर दत्तक ग्रहण की निगरानी एवं विनियमन करने का अधिदेश प्राप्त है, सही है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार कारा के साथ बाल देखभाल संस्थानों को जोड़ना अनिवार्य है, यह भी सही है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, ये भी सही है। आपके तीनों सही आंसर हैं। ठीक है, डी ऑप्शन होगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20,
नंबर 20, विश्व सीमा शुल्क संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। विश्व सीमा शुल्क संगठन विश्व व्यापार संगठन के अधीन एक संगठन है। गलत है, यह विश्व व्यापार संगठन के सीमा शुल्क मूल्यांकन तथा उत्पत्ति के नियमों पर समझौतों के तकनीकी पहलुओं का प्रबंधन करता है। ये सही है। भारत विश्व सीमा शुल्क संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्र का वर्तमान क्षेत्रीय प्रमुख। ये भी सही है। आपका 2 और 3 कथन बिल्कुल सही है। विश्व सीमा शुल्क संगठन, जो विश्व सीमा शुल्क संगठन है, जो एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यह विश्व व्यापार संगठन के अधीन नहीं है, याद रखिए। ठीक है, तो इसमें 1, 2 और 3 कथन आपके सही है। तो इसको होगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन है आपका अगला 21। बौद्धिक संपदा आयातित सामान विवर्तन संशोधन नियम 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इस नीति का उद्देश्य घरेलू बौद्धिक संपदा अधिकार को दायर करने को सुविधाजनक बनाना है। सही है। इस नीति के लक्ष्य सार्वजनिक हितों की रक्षा करते हुए बौद्धिक संपदा अधिकार को एक विपणन एवं वित्तीय संपत्ति के रूप में आगे बढ़ाना तथा नवाचार एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। सही है। यह नीति और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर विश्व व्यापार संगठन समझौते के अनुरूप है। यह भी सही है। तो इसमें आपके तीनों सही होंगे। डी ऑप्शन होगा 21 का। ठीक है, क्वेश्चन है 22। क्वेश्चन है आपका 22। टैगथॉन शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। यह पोषण अभियान के लिए प्रौद्योगिकी साझेदारी पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी है। सही है। इसका आयोजन अभिसरण प्रौद्योगिकी के उपयोग और एक लक्षित दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण से निपटने के लिए किया गया था। यह भी सही है। इसे भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। ये आपका गलत है। तीसरा आपका गलत है। तीसरे में सही क्या है? इसका उद्देश्य प्रौद्योगिक समर्थन के लिए सहयोग और भागीदारी के मार्गों का पता लगाने के लिए साथ साथ प्रभावी व्यवहार परिवर्तन के लिए लाभार्थियों तक पहुंच बनाकर पोषण के प्रति एक जन आंदोलन को आगाज करना है। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा पोषण अभियान का शुभारंभ 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान से किया गया था। ठीक है, याद रखिए। ये आपका महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है, चलाया गया। तो इसमें 1 और 2 आपका कथन सही होगा। 22 का होगा ए। क्वेश्चन है आपका 23। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण के कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार। इसका लक्ष्य वायरल हेपेटाइटिस के कारण होने वाली रोगग्रस्तता दर और मृत्यु दर में कमी लाना। ये सही है। यह सभी प्रकार के हेपेटाइटिस के लिए मुक्त दवाओं और निदान उपलब्ध कराएगा। ये भी आपका गलत है। यह वायरल हेपेटाइटिस के उन्मूलन के लिए विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण अपनाएगा। ये आपका सही है। आपका 1 और 3 सही है। इस नीति के अंदर केवल हेपेटाइट, याद रखिए, केवल हेपेटाइट हेपेटाइटिस बी और सी के लिए मुक्त दवा और निदान की पेशकश की जाती है। किसके लिए? बी और सी के लिए। ठीक है, याद रखिए। तो इसमें क्या हुआ? 1 और 3 आपका सही है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 24। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है।
नीफा वायरस संक्रमण की पहली घटना मलेशिया में हुई थी। दूसरा कथन है सही है, ठीक है। फूड बर्ड्स जिनमें हैंड्रा वायरस रहते हैं, नीफा वायरस के लिए प्राकृतिक परपोषी हैं, ये भी सही है। नीफा वायरस एक राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस है, ये भी सही है। यानी कि आपका 24 का तीनों सही है, ठीक है, डी होगा। क्वेश्चन है आपका 85, सॉरी 25। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं? भारत का मुख्य न्यायाधीश, राज्य में राज्यपाल, चुनाव आयुक्त, अन्य क्षेत्र के लिए राजदूत, देशों के लिए राजदूत, चारों की, ठीक है। डी ऑप्शन होगा 25 का, ठीक है, याद रखिए 25 का क्या होगा, डी, चारों सही है आपके। तो ये थी आपकी 6वीं टेस्ट सीरीज। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 7वीं टेस्ट सीरीज के बारे में।